हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पीस पास लो। ये मैं भाई ये वीडियोस देख के इंस्टाग्राम पे और थोड़ी सी यूट्यूब पे राइट अब इनको कलर कराना है। कलर करने वाले मैम पे हम ग्लोबल और हाईलाइट, बट यहाँ पे पूरा हेयर वर्जन है और ये हालत देख लो उसकी कैसी हालत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ हाईलाइट करने वाले हैं और ग्लोबल कलर करने वाले हैं, जो 5 के राउंड लाइट ब्राउन के राउंड होगा और ब्लोंड के राउंड 8.34 के राउंड आपकी हाईलाइट होगी कुछ ऐसी। ठीक है, तो अब इनको और इसको कैसे मैच करना है, कैसे क्या होने वाला है, पूरा प्रोसेस आपको स्टेप टू स्टेप मिलेगा। ये देखिए, आपको मैं बाल दिखाता हूँ मैडम पे कैसे। ये देखिए, हम करने लग गए हैं वॉश। वॉश के बाद हम सुखाएंगे और सबसे पहले करेंगे जो मैम के ब्लैक हेयर के एरिया है उसको हम सीधा कलर से उठाएंगे, क्योंकि बाल इतना ज़्यादा फाइन है ना, इतना ज़्यादा फाइन बाल है, अगर इस पर हमने प्रीलाइट लगा दिया ना 20 वॉल्यूम से भी, तो बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा। नीचे के जो बाल हैं ऑलरेडी कलर्ड हैं, जो ऑलरेडी ब्लोंड से या ब्लीच पाउडर से ऑलरेडी कलर या हाईलाइट जिस पर कर रखी है, वो बिल्कुल ड्राई और डैमेज होकर सूखे पड़े हैं। ठीक है, अब इस पर जो भी यूज़ होगा वो सिर्फ कलर से होगा, डायरेक्ट कलर, तो ये सब डायरेक्ट कलर से करेंगे हम। देखते रहिए, ये कलर मिल गया है 5-65 स्वार्ज़कॉफ का 30 वॉल्यूम से रूट से हटा के। 30 वॉल्यूम है तो रूट्स पे नहीं लगेगा, राइट, रूट्स पे नहीं लग रहा, देखिए, और ब्लैक वाले एरिया पे लग गया, जितना सिर्फ ब्लैक एरिया है। ठीक है, तो ओनली कलर से कर रहे हैं। वॉश करने के बाद ड्रायर इसलिए करते हैं, ड्रायर से ना फिर सेक्शन बिल्कुल शार्प निकलते हैं। कलर आपको दिखाई दिया, कलर ट्यूब दिख रही है, 30 वॉल्यूम से मिला के लगा रहे हैं, राइट। इसके बाद भी कलर ही लगेगा हाईलाइट्स के लिए भी पहले, लेकिन इसको इवन कर लेते हैं। और जैसे ही ये ब्लैक वाला पैच इनका उठने लगेगा या 5 नंबर तक आने लगेगा जो हमें डिजायर शेड चाहिए, तो हम पूरे हेयर पे यही 20 वॉल्यूम से मार देंगे। ओके, ऐसा ही होना है बस। उसका 30 वॉल्यूम से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई नीचे ब्लोंड हेयर है, उस पर तो लगाते ही आ जाएगा कलर, लेकिन उससे पहले हमें इसको उठाना है, नहीं तो उस पर ज़्यादा देर कलर लगा रह जाएगा। आपको रूट से बचाना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और ब्लैक एरिया में लगाना है। नहीं आ रहा तो आप फॉइल बांध सकते हैं इनके ऊपर हीट देने के लिए, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में 40 वॉल्यूम ना लगाएं। अगर आपको लग रहा हो कि रूट्स पे तो लगाना ही नहीं है, तो 40 वॉल्यूम कर देते हैं। जल्दी करने के चक्कर में कर सकते हो, लेकिन सारा खेल मैंने क्या बताया आपको कि हम कलर से भी इसलिए कर रहे हैं कि हेयर की क्वालिटी बनी रहे। अब देखो, आपको बैक पे थोड़ा सा दिख रहे होंगे, देखो बैक साइड हेयर पे कि ब्रेकेज कितने ज़्यादा हैं, बाल बहुत ज़्यादा वीक है। तो बालों की कंडीशन के हिसाब से ही आपको वर्क करना है। रेस्ट अगर आप 40 वॉल्यूम से भी करते हैं तो उसके अंदर आप प्लैक्स वगैरह मिलाइए, जिससे बालों की क्वालिटी बनी रहे। बोन बूस्टर या प्लैक्स वगैरह मिलाइए। काम करने का ना जो क्वालिटी है अपना, एक लेवल अप दीजिए। नॉर्मल मार्केट से अपने आप काम चलेगा, भाग के चलेगा काम, कोई रोकने वाला नहीं है फिर काम को। तो हल्का सा क्वालिटी दीजिए काम में, और क्लाइंट को जो है ना कलर वगैरह में तो एक खासियत होती है, ये हर 3-4 महीने में दोबारा कराने। अगर आपने किसी के रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कर दी तो पूरी ग्रोथ लेके 1.5 साल बाद आएगा, 1 से 1.5 साल बाद। लेकिन कलर का क्या है ना कि रूट टचअप हर महीने करवा सकता है क्लाइंट, और आपका कलर बहुत पसंद है तो वो हर 3rd महीने में पूरा मेकओवर ही कराएगा। तो ये रिपीटेड वर्क होता है, तो इसकी क्वालिटी रखिए। अगर इसी के अंदर आप वो जो क्वालिटी नहीं देंगे ना, तो फिर क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा यार, फिर आएगा नहीं। तो हमेशा क्वालिटी दीजिए, एक लेवल अप वर्क, हेयर की क्वालिटी को मेंटेन करिए, क्योंकि क्लाइंट एक बार कहीं और से कलर करा भी लेगा ना, तो उसको रियलाइज़ तो हो ही जाएगा ना कि लास्ट टाइम वहाँ से कराया था तो मेरे बाल डैमेज नहीं हुए थे या बहुत अच्छा किया था, तो फिर वो आएगा ही आएगा, राइट। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी रूट से टच नहीं हो रहा है, दूर दूर चल रहा है सारा, तो आपको भी ऐसा ही करना है। लास्ट सेक्शन रह गया, उसके बाद हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद ही हम इसको पूरे पे ग्लोबल करेंगे। ओके डन, ये लास्ट सेक्शन भी करते हैं हम धीरे धीरे, उसके बाद करते हैं उसके बाद। अब ये देख रहे हैं आपकी जो नीचे के ब्लोंड वाले हेयर, उन पर कलर नहीं लगा हुआ है कहीं पर भी, नहीं हम लगा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो 20 वॉल्यूम ही बहुत है। सेम ट्यूब हम 20 वॉल्यूम उससे उस पर लगा देंगे। और रूट्स पे अगर आपको वो अलग से करना है डार्कर, तो आप 5-65 हम कर रहे हैं, तो 4 नंबर का रूट्स पे आप कर सकते हैं, 4-65 या 4-65 या ओनली 4 भी कर सकते हैं, और 5-65 भी आप 5-65 भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू और क्लाइंट क्या डिमांड रख रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड्स है। ठीक है, उसके ऊपर भी तरीके से काम करना है, बहुत तरीके से। हीट बनाने के लिए आप इसके ऊपर फॉइल लगा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है, और क्या किल रैप भी बांध सकते हो, जाके हीट होके वो जल्दी आए कलर, क्योंकि हीट का ही खेल है सारा कलर। जैसे आप हाईलाइट जब करते हो उस फॉइल पे हीट मारते हो ना, हीट से ना इसका प्रोसेस तेज हो जाता है। डन, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखा करो। अब ये 20 वॉल्यूम से आ गया है नीचे वाले हेयर पे, क्योंकि ऊपर भी सेम कलर है बस 30 वॉल्यूम से है। अब इसको इमल्सीफाई तो आप पूरे हेयर में भी कर सकते हो, राइट।
लेकिन ऊपर लगी गया कलर तो क्यों कलर वेस्ट करना, आना ही आना है। आपने अगर तरीके से काम किया है तो आपको उतना ही काम करने की ज़रूरत है जितना आपका बचा हुआ काम है। सोचना इस लाइन में कितना दम है। अगर आपने तरीके से काम किया है तो आपको उतना ही बचा हुआ उतना ही काम करना है जो आपका बाकी बच गया है। पूरे काम को दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को, तरीका है करने का ये काम, ठीक है। तो आपने अगर बहुत अच्छा हेयर कट किया है, खैर हम बार बार चेक तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको पता है आपने बहुत अच्छा किया स्टेप टू स्टेप, सीधा ड्रायर करवाओ और ख़त्म करो, आएगा रिजल्ट। तो ऐसा ही यही है, अगर आपने पता है ऊपर ढंग से कलर लगाया है, वो मिक्सिंग सही है, वो उठेगा उठेगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। आपने देख लिया ऊपर का ब्लैक था और नीचे से ऑलरेडी ब्राउन था, देखो साइड वाले बाल देखो कैसे मरे मरे हो रखे हैं, तो ठीक है। तो इसके अंदर कलर देंगे हम, तो कलर से ही है। और थोड़ा अरे एक चीज़ और है, जब कलर लाइटर टू डार्क का जाता है, लाइट से गहरे की तरफ जाता है, तो डैमेज मान लिया कि ख़त्म नहीं होता, लेकिन जब वो डार्क कलर हो जाता है ना, डार्क कलर की वजह से दिखना कम हो जाता है वो, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा जो डैमेज है वो कम हो गया है। एक्चुअली असलियत तो ये भी है कि वो कम नहीं होता है, बस विजिबिलिटी कम हो जाती है उसकी, दिखावट जो जितना डैमेज वो दिख रहा था उतना कम होता है। अगर सेम ब्लोंड वाले हेयर पे अगर हम ब्लैक कलर कर देंगे ना, 3 या 3 नंबर की ट्यूब, तो वो उतना डैमेज नहीं दिखेगा, जबकि डैमेज हेयर पे अगेन हम केमिकल नाम के लेके कलर कर रहे हैं तो उसके ऊपर डैमेज तो दिखना चाहिए और, लेकिन वो दिखता भी नहीं है। उसका रीज़न यही है, डार्कर शेड में डैमेज कम दिखता है, लाइटर या फैशन शेड जिसको आप कहते हो उसके अंदर डैमेज ज़्यादा दिखता है। कभी भी अगर आप लाइटर टू डार्क का जाएंगे तो आपका डैमेज कम विजिबल होगा, राइट। अब हमने बचे हुए सेक्शनों पे हम कर रहे हैं अपना ये 5-6520 वॉल्यूम से, क्योंकि नीचे के जो ये ब्लोंड वाले हेयर थे इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है 30 वॉल्यूम झेलने की। तो इस टाइप की प्रिकॉशन आप पहले ही करें, माइंड में फ्रेम बनाएं कि कैसे काम करना है आप लोगों को, सोच समझ के काम करें, ओके। ये रूट टचअप पे आ गया। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे आपकी या क्लाइंट की डिमांड है कि मैडम आपको रूट से सेम कलर चाहिए या नहीं चाहिए या जो भी है। यहाँ पे एक शेड डार्क कर मेरे अकॉर्डिंग सही लगता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपका क्लाइंट जो मांग रहे हैं। मैं बोलूँ कि डार्कर शेड पे आप जो जिसका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ही डार्क हो, जो या मतलब डार्क कंडीशन, जो क्लाइंट आपका थोड़ा फेस कलर बहुत डार्क है ब्लैक की तरफ है, तो उसके ऊपर तो ब्राउन कलर या फिर वाइन शेड हद मार के अच्छा लगेगा, डार्क वाइन। लेकिन अब वो कह रही है मुझे ऑरेंज देना है, नहीं अब तो गौरव सर ने कहा था कि वाइन शेड ही देना है, तो यार वाइन शेड थोड़ी ना जाएगा, क्लाइंट की डिमांड पे वर्क होएगा, ओके। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप समझ आएगा, क्योंकि अब हमने इस पर 4 नंबर का रूट्स पे हल्का सा कलर किया है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा 5-65 भी मिलाया है, 5-65 मिलाया है बेस के 4 नंबर के बेस के साथ, ताकि उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर आए। ये चीज़ें आपको ना खुद अपने आप ही अपने वर्क में ऐड करनी पड़ेगी, खुद ही समझ के, इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं है, ध्यान से सोचना, इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम रूट टचअप कर रहे थे उसमें 20 वॉल्यूम डाला होगा जिस भी कलर से, ऐसा तो नहीं है ना, तो उस चीज़ को सोच समझ के करना, ठीक है। हर चीज़ नहीं बताई जाती, या फिर आपको पता होना चाहिए। अब ये जनरल सा बात है, ठीक है ना। ये देखो हो गया ना ब्राउन, अभी आपको हम सुखा के दिखाते हैं, क्योंकि हाईलाइट करने के लिए हमें सुखाना तो पड़ेगा ही, बाल सेक्शन जैसे शार्प निकले तो आपको प्रॉपर ब्राउन दिखेगा। रूट टू एंड्स तक बाल बिल्कुल ब्राउन हो गया, देखो पैची नहीं है ना 1% भी। तो तरीके से काम करोगे तो ऐसे होगा। ये 90 जैसे की ट्यूब आती है, लोरियल के अंदर आती है माजी ब्लॉन्ड, इसकी हाईलाइट हम कर रहे हैं। इसके जगह अगर आपको शोशकोफ में करना है तो 12-1 हाई लिफ्ट के नाम से सीरीज आती है, वो भी आप कर सकते हो। तो हाईलाइट अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, मर्जिंग की देनी है, मोटी मोटी वीविंग देनी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्लाइंट ने आपसे कैसी डिमांड करी है। आपको कलर ट्यूब दिखा दी और 30 वॉल्यूम है, क्योंकि अभी नीचे वाले हेयर डैमेज दिख तो नहीं रहे, और आपको कहने वाली बात है कि 5 नंबर का बाल है बहुत हेल्दी होगा, लेकिन ये ऑलरेडी डैमेज है, इसलिए अगेन हम 30 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो 40 कर सकते थे आप, ठीक है। अब 40 यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि इतने कम बाल होते हैं ना हाईलाइट्स के, अगर थोड़े बहुत डैमेज भी हो गए ना तो वो इतने दिखेंगे नहीं पूरे सर में, गिने चुने बालों पे हाईलाइट्स होती है, राइट। तो अब ये देखिए आप कैसे हाईलाइट्स हो रही हैं। तो आपको इसके बाद हम जैसे ही हाईलाइट्स आ जाएंगे उसके अंदर डिपॉजिटिंग देने की तो ज़रूरत है नहीं, डिपॉजिटिंग देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने सीधा कलर किया है। जब प्री लाइटर या ब्लीच करते हैं तब डिपॉजिट देते हैं, तो हम इसमें डिपॉजिट नहीं देंगे, जैसे कलर आ जाएगा वॉश करके फाइनल दिखा देंगे आपको।
इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये देखिए हाइलाइट्स। अब यहाँ पे हाइलाइट्स कईयों को नहीं समझ आए तो मैं ये कहूँगा कि क्लाइंट डिमांड है, ठीक है, क्लाइंट की डिमांड है, उसके ऊपर वर्क करना है आपने और कुछ नहीं है। डन, ये देखिए क्लाइंट को कैसी चाहिए कैसी नहीं चाहिए, बिल्कुल तरीके से काम करेंगे तो उतना बेटर ही है, आपका क्लाइंट रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये देखिए, और क्लाइंट को ना काफ़ी बार ना रिपीट बुलाया करो, जैसे हाईलाइट के टाइम पे भी, हाईलाइट के टाइम पे भी क्लाइंट को बोला करो मैम नेक्स्ट डे वॉश लो, अगर सेम डे वॉश का भी है तो। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि क्लाइंट को ना जैसे नेक्स्ट डे भी आएगी ना तो आपके सलून पे आने की आदत पड़ती रहेगी, वो रास्ता उनको फेमिलियर सा लगेगा थोड़ा, समझ रहे हो। ऐसा ना हो ना काफ़ी बार जैसे कि आपको भी जाना पड़ता है यार आज वहाँ जाना है, तो ऐसा ना हो, ऑफ़र के थ्रू बुलाओ या एक सर्विस को दो में डिस्ट्रीब्यूट करके, मैडम आज ये होगा कल इसका वॉश होगा, तो कल आएंगे बोल दो, पैसे वैसे एक रुपया भी नहीं है करने का तरीका, उससे क्लाइंट को आपके सलून में आने की आदत होगी, मतलब उस साइड जाने की, उस रास्ते पे जाने की आदत हो जाएगी, जिससे आपको क्लाइंट फिर कभी मतलब कुछ छोटी भी सर्विस होगी तो आ जाया करेगा। ये तरीके हैं छोटे छोटे, आप सर्विस में अपने ऐड करिए अपने थोड़े सलून में, तो आप डेफिनेटली आपको इसका प्रॉफिट होगा। डन, आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट हमारी हाईलाइट्स पूरी होने वाली है, तो जैसी हाईलाइट्स पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके ही 30 मिनट्स के बाद अकॉर्डिंग टू यू, आपने जिस ब्लोंडर अगर 40 वॉल्यूम लगाया था तो 20 मिनट बाद ही देखना पड़ जाता, और ये वाले बालों में तो 20 मिनट के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएंगे, इतने ज़्यादा डैमेज है, दिखने में ब्राउन जैसे दिख रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं, राइट। और हाईलाइट के अकॉर्डिंग या सेक्शनों के अकॉर्डिंग ही फॉइल का यूज़ करें। अब ये सेक्शन कितना ब्रॉड है तो यहाँ पे आप देख रहे हो फॉइल का साइज़ बढ़ गया है। और कोई भी काम आप करें तो अपने कंफर्ट जोन में होके करें, जैसे मैं बोल रहा था कि आपको हाईलाइट्स भी करने, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेट ड्राई करिए, मान लिया आप नॉर्मल ड्राई में भी हाईलाइट्स कर सकते हैं, बहुत ट्रेंड है, लेकिन जितना अपने काम को ईजी बनाएंगे ना आप, उतना ही आपको करने में मज़ा आएगा और उतना ही ईजिली वो होएगा, उतना ही शार्प, उतना ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा, राइट। पॉजिटिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्ट कलर ही लगाया, देखो फॉइल खुल रहे हैं हैंड, और ये हम वॉश करते आ रहे हैं, खोलते आ रहे हैं, डन। और आपको मैं दिखाता हूँ ड्राई करके फाइनल रिजल्ट कैसा लगा। तो गाइस देखिए फाइनल रिजल्ट कैसा है, ये देखिए ये इवन हो गया सारा हेयर, ऊपर से जो ब्लैक का पैच था, नीचे जो ब्लोंड का पैच था वो इवन कर दिया गया है, ब्राउन कलर का इसके अंदर ग्लोबल आ गया है और ब्लोंड कलर की हाईलाइट आ रही है। कलर्स के अंदर आपको मेंशन कर दूंगा मैं वीडियो में, दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे कलर ट्यूब क्या क्या थी, और ये मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, मैम से पूछते हैं कैसा लगा। मैडम ऐसे चाहिए था तो ये कैसे किया, उसकी जो अच्छी सी रील्स है वो जाके आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, कैसा लगा पूरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू, पी स्क्वायर सलोन।